तो वैसे बच्चे जो कल आईबीपीएस पीओ के प्री में शामिल हो रहे हैं उन सबको लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बस एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी चिंता फिक्र परफॉर्मेंस प्रेशर को बाहर छोड़ करके जाइएगा और मैं ऊपर वाले से यही विनती करूंगा कि वो आपका मन शांत रखे ताकि आप अपने उम्दा लेवल का परफॉर्मेंस दें और सफलता आपको हासिल हो। एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और बीके सिंह आपको ऑल द बेस्ट प्रेषित करता है। आप एकदम खुशी खुशी जाइए और अच्छी तरह से एग्जामिनेशन दीजिए। साथ में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सोए नहीं है तो प्लीज जाकर सोइए, अच्छी नींद लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला में एक नया अध्याय। जी हाँ, आज यहां पर मैं फिर से 5 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं सेशन जानबूझकर छोटा रखता हूं ताकि जो ऑप्शन जहां पर गलतियां हैं और जहां सुधार करनी है उसमें आखिरकार कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा और क्या बात है उसके पीछे कि उसे बदला गया है, सारी बातों को मैं विस्तार से आपके सामने रख सकूं। इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन को घटा करके 5 कर दिया है। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि मैं ये आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाने के लिए, लेकिन ये आपकी तैयारी में वो भूमिका निभाएगा जो अक्सर आपसे छूट जाता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप बस इस छोटे से सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और ये 5 आपकी हो रही तैयारी की जांच के लिए है कि आखिरकार आपकी तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं और वो कहां तक पहुंची है। ये बस आपके सेल्फ असेसमेंट के तौर पर मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। साथ में जो अनछुए क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं बना पाते हैं या आपके पास उपलब्ध नहीं होता है, मैं सेशंस में वैसे ही क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होता हूं। आज का जो एरर स्पॉटिंग है इसका एक एपिसोड पिछले दिन मैंने आपके सामने रखा है जिसमें आखिरी हिस्सा बोल्ड था और इटैलिक में था। साथ में बचे हुए 4 हिस्से में एक सही हिस्सा ढूंढना था और वही आपका आंसर था। तो सेम आज यहां पर वही सेट हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं और आखिरकार उसमें जो गड़बड़ सेंटेंस है, जो गलत हिस्सा है, क्या सुधार होगा और आप इसे कैसा कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में लाए गए 5 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आपको पुराने ही एपिसोड की तरह 30 सेकंड की समय सीमा आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है कि उस समय सीमा के अंदर आपको इस क्वेश्चन को बना लें, यह बहुत जरूरी है। इससे यह पता चलेगा कि आपकी रफ्तार पहले से बेहतर हुई या नहीं। वैसे बच्चे जो 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर नहीं बना पाते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन को अपनी सूझबूझ के साथ बनाइए और एक्सप्लेनेशन देख करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी ऑप्शन को अगर छोड़ा गया है तो क्यों, क्या वजह थी कि वो सेंटेंस का हिस्सा गलत था। ये बहुत जरूरी है समझना और इस समझदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप भी 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर उसको बना पाएंगे और आपकी भी रफ्तार अच्छी हो जाएगी। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चलो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत कोटेशन से करते हैं, तो यहां पर एक कोटेशन और फिर से ये जो कोटेशन है हमारे माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर का है। और इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि एवरी पेन गिव्स अस लेसन, हर दर्द जो है वो एक हमें सीख देता है, एंड एवरी लेसन चेंजेज अ पर्सन, और हर सीख जो है इंसान को बदल देती है। देखिए मैं आपको कहता हूं कि आप खुद ही देखो कि आप पहले कैसे थे, आपकी सोच पहले कैसी थी, आप प्रॉब्लम कैसे पहले हैंडल करते थे और अब कैसे हैंडल करते हैं। तो ये कहां से डेवलप हुआ? जब आप चीजों को करते हैं आप में उलझन झेलने की क्षमता बढ़ जाती है
तो आप कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो कहा है कि प्रत्येक दर्द एक सीख देता है और हर सीख इंसान को बदल देता है। बिल्कुल, इसीलिए आपको कभी भी अपने हार से नहीं डरना चाहिए, हो रहे गलत सवालों से नहीं डरना चाहिए। आप टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि आपको मार्क्स कम आता है, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, यहां पर बेफिक्री में रहिए। आप बस ये कीजिए कि जो गड़बड़ी है उसको कैसे सुधारा जाए, वो कैसे मेरा बेहतर होगा, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज समझिए कि बहुत जरूरी है कि आपको दर्द मिले, आप झेले, ताकि आप अनुभवी बने और अपने जीवन में अच्छा कर पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, नो पेन नो गेन। जब तक दर्द नहीं होगा कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। चले सेशन की शुरुआत करते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार समय की व्यवस्था के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। 30 सेकेंड है ना, चलिए। पहला क्वेश्चन है और वही है, सवाल में देख लीजिए, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच लास्ट पार्ट इज करेक्ट, बोल्ड एंड इटैलिक। यहां पर जो है लास्ट वाला देखिए, और फिर कह रहा है कि देयर इज एन एरर इन द 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड ओनली 1 पार्ट इज करेक्ट, यू हैव टू चूज द करेक्ट पार्ट एज योर आंसर। इसमें जो बाकी है 4, उसमें से करेक्ट वाले हिस्से को आपको ढूंढना है अपने आंसर के तौर पर। तो चलिए समय शुरू करते हैं, बनाइए। चले समय समाप्त हो चुका है यहां पर। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है जियोस डिसरप्टेड फॉरे, यहां पर होना चाहिए डिसरप्टिव, है ना, क्या होना चाहिए डिसरप्टिव, देखिए डिसरप्टिव है ना, जियोस डिसरप्टिव फॉरे इन सितंबर 2016 ऑन बैक ऑफ फ्रीबीज लेड, ठीक है, लेड या लीडिंग नहीं, लेड इनकम्बेंट्स टू ऑफर, टू के बाद देखिए यहां पर V+V1 यानी यहां होना चाहिए ऑफर, टू ऑफर कॉम्पिटिटिव टैरिफ टू टेक अप। अब यहां पर देखिए कि टेक अप का मतलब होता है हाथ में लेना, क्या होता है हाथ में लेना, यहां पर सेंस के हिसाब से टू टेक अप बिलियनर मुकेश अंबानी बैक्ड राइवल, है ना, जियोस ऊपर तो समझ में आ गया कि जियोस डिसरप्टिव फॉरे इन सितंबर 2016 ऑन बैक ऑफ फ्रीबीज लीडिंग नहीं लेड होना चाहिए इनकम्बेंट्स टू ऑफर, 2+V1 यहां लगेगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, टू ऑफर कॉम्पिटिटिव टैरिफ टू टेक अप, टेक अप का मतलब होता है हाथ में लेना, यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए ऑन, अप को हटा करके ऑन कर देंगे तो टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, क्या होता है मुकाबला करना, मुकाबला करना, टेक ऑन का मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा बिलियनर मुकेश अंबानी बैक्ड राइवल। तो यहां पर 4 के 4 हिस्से में हमको सुधार की जरूरत है, यहां पर डिसरप्टिव गलत है ना, यहां पर लीडिंग गलत है, लेड होना चाहिए, यहां पर ऑफरिंग नहीं ऑफर होना चाहिए, और यहां टेक अप नहीं टेक ऑन होना चाहिए, इसीलिए ऑल आर इनकरेक्ट इसका आंसर है। इसका जो आंसर है वो क्या है, ई है। अब तो देखिए संदर्भ को समझना पड़ेगा, कह रहा है जियोस डिसरप्टिव फॉरे इन सितंबर 2016 ऑन बैक ऑफ फ्रीबीज लेड इनकम्बेंट्स टू ऑफर कॉम्पिटिटिव टैरिफ टू टेक ऑन बिलियनर मुकेश अंबानी बैक्ड राइवल। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे सही सॉल्व किया होगा, और आप मुझे लिख करके बताइए कि क्या आप सही सॉल्व कर पाए, क्योंकि देखिए इस तरह के सवाल से आपका सामना होना तय है। आज के एग्जामिनेशन का दौर ऐसा है जहां पर आप क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको
पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, यह सबसे अच्छा उपाय है कि हम ये ना सोचे कि क्वेश्चन कैसा आएगा, हम ये सोचे और ऐसे तैयार हों कि कैसा भी आएगा, दुनिया आठ बनाएगी तो साथ हम भी बनाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है कि राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। अब देखिए राहुल स्टैंड, अगर आप समझते हैं, आपने आराम से पढ़ा है ग्रामेटिकल नॉर्म्स को, तो कह रहा है कि राहुल स्टैंड्स इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, यहां होना चाहिए कम्स, क्या होना चाहिए कम्स। अ मंथ आफ्टर यूएस टेलीविजन नेटवर्क एबीसी हैड टू एपोलोजाइज From नहीं टू, जिससे करना है टू इंडियन फैंस ओवर अ हिंदू टेरर प्लॉट्स, नहीं टेरर प्लॉट, यहां पर क्या हो जाएगा प्लॉट, एक टेरर प्लॉट है, हिंदू टेरर प्लॉट की बात कर रहे हैं तो यहां प्लॉट्स नहीं होगा, यहां टू होना चाहिए या कम्स होना चाहिए। और मेरा जो बी है कि अ मंथ आफ्टर यूएस टेलीविजन नेटवर्क एबीसी, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो यह हिस्सा मेरा सही है। देखिए क्या हो जाएगा, राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच कम्स, क्या होना चाहिए यहां पर कम्स, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर एनपीएल लगा हुआ है, एन पी और एन, ठीक है। अब एनपीएन क्या होता है कि बहुत सारा नाउन, मतलब यह है कि नाउन प्रेपोजिशन फिर नाउन फिर प्रेपोजिशन फिर नाउन, है ना, फिर नाउन जुड़ा हुआ हो ऐसे कई सारे, तो इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से होगा। जैसे आप कह सकते हैं मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर जो स्टूडेंट्स है यहां आर नहीं होगा इज होगा, क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मेरिट है, यहां पर भी एन पी और एन लगा हुआ है, ठीक है। तो यह ध्यान देना है, बहुत ही अहम है एनपीएन वाला, है ना, नाउन प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ऐसा बहुत सारा जुड़ा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं एनपीएन फॉर्मूला। वो क्या होता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये कई सारे होंगे और इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा वो फर्स्ट वाले के हिसाब से होगा। अगर फर्स्ट वाला मेरा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा, और फर्स्ट वाला अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसीलिए राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच कम्स A month after US television network ABC had to apologize to Indian fans over a Hindu terror plot shown in its series Quantico. इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका आंसर बी, क्योंकि ये हिस्सा मेरा जो है वो सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, फिर से एक सवाल आपके सामने है कि इंडिया और एपोस्ट्रॉफी एस है, यहां पर एस होना चाहिए, है ना, यहां पर एस होना चाहिए इंडिया, तो एक गलती यहां पर हो गई, तो मेरा ए वाला जो है वो नहीं है, है ना। कह रहा है इंडियाज ओल्डर मोबाइल ऑपरेटर्स भारती एयरटेल वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया सेलुलर हैव एज फार मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू एंड एवर ग्रो their subscriber market shares despite new entrant Reliance Jio's pricing onslaught. Jio's price, ठीक है, यहां पर क्या होगा price, है ना, Jio's price onslaught mainly by acquired नहीं
अक्वायरिंग है ना, बाय के बाद प्रेपोजिशन है, ठीक है, अक्वायरिंग पैसिव फॉर्म है नहीं कि यहां पर हम ये लगाएंगे अक्वायरिंग कस्टमर्स ऑफ स्मॉलर एग्जिस्टिंग टेलीकॉम्स। अब देखिए इंडियाज इसमें अपोस्ट्रॉफी एस एस होना चाहिए, नहीं है, आपको पता है जैसे हम अगर कहें लड़की का तो हो जाएगा गर्ल अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, और अगर कहें लड़कियों का तो गर्ल्स और ऐसे लगेगा, जहां पर लास्ट में एस होता है तो एस लास्ट वाला हट जाता है, और अक्सर लोग लड़कियों का छात्रावास ऐसे लिख देते हैं, इसके आगे ऐसे लिख देते हैं जी आई आर एल एस ऊपर ऐसे लगा के, और इसको कहते हैं हॉस्टल। तो ये गलत है, ये एक लड़की का छात्रावास हो गया, लड़कियों का छात्रावास कहेंगे तो ये होगा जी आई आर एल एस और तब एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और तब लिखेंगे हॉस्टल। तब ये क्या हुआ कि प्लुरल पर आपने ये एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है तो जाकर के होगा लड़कियों का, ये अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां एस छूटा हुआ है कि इंडियाज ओल्डर मोबाइल ऑपरेटर्स भारतीय एयरटेल वोडाफोन एंड वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया सेलुलर हैव एज फार मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू एंड न्यू एवर ग्रो देयर सब्सक्राइबर इवन ग्रो देयर सब्सक्राइबर मार्केट शेयर्स डिस्पाइट न्यू एंट्रेंट रिलायंस जियोस प्राइस ऑन स्लॉट मेनली बाय अक्वायरिंग कस्टमर्स ऑफ स्मॉलर एग्जिस्टिंग टेलीकॉम्स। तो यहां पर जो गलती हुई सी में भी गड़बड़ी है, डी में भी गड़बड़ी है, और फिर से मेरा जो आंसर है वो है इसका बी। कौन सा आंसर है बी, क्या गलती है यहां पर बी वाले में, कोई गलती नहीं है, क्या कह रहा है मैनेज टू होल्ड ऑन टू एंड इवन ग्रो देयर सब्सक्राइबर मार्केट शेयर्स। तो यहां पर बी में कोई गड़बड़ी नहीं है, ए वाले में एस छूटा हुआ है, सी वाले में प्राइसिंग नहीं प्राइस होगा, और डी वाले में अक्वायर्ड नहीं अक्वायरिंग होगा, क्योंकि नॉर्मली यह कहा जाता है कि प्रेपोजिशन के बाद या तो आप सिंपल नाउन लगाइए या प्रोनाउन लगाइए, है ना, या नहीं तो वी वन प्लस आई एन जी, जिसको कि आप जेरेंड कहते हैं, वर्बियल नाउन आप लगा सकते हैं, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर स्टेइंग, आफ्टर गोइंग, है ना, तो ये बाय अक्वायरिंग यहां पर आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, यहां कह रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड। अब देखिए यहां पर गड़बड़ी है ना, ये मेरा जो डिपार्टमेंट है, फिर से देखिए एनपीएन लगा हुआ है ऑफ टेलीकॉम, यहां होना चाहिए नीड्स, है ना, ये बहुत ही आसान है और आप में से बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा कि सिंगुलर होता है तो सिंगुलर लगाते हैं वो, प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो प्लूरल लगाते हैं वो, ये आपको ध्यान में होगा। तो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड्स to be commended for taking the lead, leads nahi, lead, in adopting strong net neutrality rules. अब देखिए यहां पर देखिए फिर से अभी जो पीछे बताया कि preposition के बाद verbial लगता है noun, adopting आप लगाना चाहते तो ing के साथ लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि strong net neutrality rules and ensuring that, यहां पर a नहीं the, या क्या होगा, द फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट इज नॉट चेंज, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड्स कमेंडेड, नीड्स टू बी कमेंडेड फॉर टेकिंग द लीड इन अडॉप्टिंग स्ट्रॉन्ग नेट न्यूट्रलिटी रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट द फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट इज नॉट चेंज। ये जो द है ना ये यहां पर लगेगा, ए का प्रयोग गलत है। देखिए बहुत सारे लोग यहां पर आर्टिकल में भी फंसते हैं, किसी दिन अगर ऐसा मौका लगेगा ग्रामर में हम आगे बढ़ते बढ़ते आर्टिकल पर पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है कि हम कहीं पर द लगाते हैं और उसी शब्द में किसी जगह पर ए या एन लगा हुआ होता है। आर्टिकल में जितने रूल्स आप पढ़ते हैं उस रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हैं कुछ बारीकियां हैं, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आर्टिकल आसानी से कमांड कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा जरूर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल कहां है, हम तो कहीं सुने नहीं, आपको पता है आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। जी हाँ, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि पहले वाले में गड़बड़ी है, दूसरे वाले में भी गड़बड़ी है, यहां पर
जो है लीड्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तीसरा वाला मेरा सही है और डी नंबर में भी गलती है, यहां पर एक की जगह पर द होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, सी। क्या आंसर हो गया इसका, सी, है ना। इसमें एक ही पोर्शन है जो कि आपका सही है, पहले वाले में जो है वो होना चाहिए नीड्स, दूसरे वाले में होना चाहिए लीड, और तीसरे वाले में ए को हटा करके यानी डी ऑप्शन में जो है ये द का प्रयोग करेंगे। चले आज के सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय यहां पर समाप्त हो चुका है और बड़ा ही आसान है, उम्मीद करते हैं कि आप बना दिए होंगे। क्या कह रहा है, द इंटेलिजेंस आर्मी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए यहां पर जो है आर्मी की जरूरत ही नहीं है, है ना, यहां पर होगा आर्म, हिस्सा, है ना, अंश। द इंटेलिजेंस आर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट हैज सर्व नोटिसेस टू 10 ऑफ द बिगेस्ट कैसिनोज इन गोवा टू इवेड, नहीं। अब देखिए जब यहां पर हैज हैव आ गया है तो हम क्या बताए थे पिछले दिन कि आप ये हमेशा समझिए कि 2+V1 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है किसके, V1 के, V2 के और या V5 के। ये क्या होता है कि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये इसका वर्बियल फॉर्म है जहां पर आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और टेंस का ध्यान रखेंगे, है ना, कि ये प्रेजेंट प्लुरल के साथ इस्तेमाल होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, और ये जो है ना टेंस की गुलामी से आजाद हो जाता है, आप इसको तीनों से टेंस में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दोनों में सेम सेम है, जब ये कर दिया है तो किस चीज के लिए किया है, हैज सब नोटिसेस टू 10 ऑफ द बिगेस्ट कैसीनोज इन गोवा फॉर इवेडिंग होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, फॉर इवेडिंग, इवेड टू इवेड क्यों होगा, सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स एंड हैज साइमल्टेनियस इनिशिएटिव, नहीं साइमल्टेनियसली इनिशिएटेड, है ना, यहां पर क्या होना चाहिए, इनिशिएटेड। अब देखिए हैज लगा हुआ है तो उसके हिसाब से यहां पर लगेगा और इसको हम एडवर्ब में करेंगे साइमल्टेनियसली, है ना, क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यहां पर कहां कहां गड़बड़ी मेरी बची, क्या कह रहा था, इंटेलिजेंस आर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट हैज सर्व नोटिसेस, तो मुझे बी में गड़बड़ी यहां पर नहीं दिख रही है क्योंकि ए वाले में मुझे आर्मी को चेंज करना है, यहां से आर्म करना है, है ना, उसके बाद यहां पर जो क्या कहते हैं टू इवेड है इसको फॉर इवेडिंग करना है और सर्विस टैक्स यहां पर साइमल्टेनियसली इनिशिएटेड करना है, है ना। तो मेरा जो बी वाला हिस्सा है वो गड़बड़ नहीं हुआ है। देखिए एक बार फिर से समझिए कि बहुत सारे बच्चों को 2+V1 के इस्तेमाल में बहुत झिझक होती है। आप सीधा समझो कि V1, V2 और V5 ये हमारा वर्बियल फॉर्म है जो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, इसी का नॉन वर्बियल फॉर्म जो है, इसी का नॉन वर्बियल फॉर्म जो है वो हम 2+V1 के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टेंस में ये प्रयोग हो सकता है। V1 टेंस की गुलामी के अंदर है कि उसको भाई प्रेजेंट में आना होगा, प्लुरल में आना होगा। V2 जो है वो पास्ट में आएगा और V5 जो है प्रेजेंट सिंगुलर में आएगा, लेकिन 2+V1 आप कहीं भी किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंस वही V1, V2 और V5 जैसा जाएगा। जैसे ही गोज टू गांधी मैदान टू प्ले क्रिकेट, ही वेंट टू गांधी मैदान टू प्ले क्रिकेट, यहां पर दो सेंटेंस है कि वो गांधी मैदान जाता है और क्रिकेट खेलता है, वो गांधी मैदान गया और क्रिकेट खेला, और ही विल गो टू गांधी मैदान टू प्ले क्रिकेट, मतलब है कि वो गांधी मैदान जाएगा और क्रिकेट खेलेगा। तो यहां पर जो है मैंने जो समझाया वो समझिए, और जैसे यहां पर हैज सब्ड की बात आ गई तो टू इवेड नहीं होगा, फॉर इवेडिंग, ये किसी पर्पस के लिए किया गया है तो हम वहां पर V1+ING लेंगे कि फॉर इवेडिंग किस चीज के लिए किया गया है, हैज सब नोटिसेस टू 10 ऑफ द बिगेस्ट कैसिनोज इन गोवा फॉर इवेडिंग सर्विस टैक्स एंड हैज साइमल्टेनियसली इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है इसमें जो पोर्शन बी है वो बिल्कुल सही है, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो कि एकदम छोटा सा सेशन है और एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर आधारित था, आपने इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें सीखी,
सबसे पहले तो एनपीएन सीखा कि नाउन प्रपोजिशन नाउन, इसमें वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाले नाउन के हिसाब से करेंगे, कितने भी नाउन और प्रपोजिशन आपस में जुड़े हुए हो। साथ में एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि एनपीएन में ऑफ ही फिक्स है, नहीं बिटवीन भी आ सकता है, अमंग भी आ सकता है, अलोंग विद भी आ सकता है, कोई भी प्रपोजिशन आ सकता है, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि V1, V2, V5 का नॉन वर्बियल इक्विवेलेंट फॉर्म जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल होता है वो है 2+V1। तो ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर ऐसा सेंस नहीं आ रहा हो V1, V2, V5 का, तो उसके नॉन वर्बियल फॉर्मेट को वहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि उसमें मैंने दिखाया कि वहां 2 evade नहीं 4 evading होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपने अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। आप अपने मार्क्स मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द आपके सामने फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, फिर कुछ बच्चों की कल टेस्ट है, तो वैसे बच्चे जो कल IBPS PO के प्री में शामिल हो रहे हैं उन सबको लर्निंग विदाउट टूल्स और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बस अब एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी चिंता फिक्र परफॉर्मेंस प्रेशर को बाहर छोड़ करके जाइएगा और मैं ऊपर वाले से यही विनती करूंगा कि वो आपका मन शांत रखे ताकि आप अपने उम्दा लेवल का परफॉर्मेंस दें और सफलता आपको हासिल हो। एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स और बीके सिंह आपको ऑल द बेस्ट प्रेषित करता है। आप एकदम खुशी खुशी जाइए और अच्छी तरह से एग्जामिनेशन दीजिए। साथ में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सोए नहीं है तो प्लीज जाकर सोइए, अच्छी नींद लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। बाकी जो लोग एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो रहे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।